यमुनानगर में स्मैक के नशे को रोकने के लिए पुलिस नशा तस्करों को धरपकड़ कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि हमीदा एरिया में नशा तस्करों द्वारा युवाओं को स्मैक का नशा सप्लाई किया जाता है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर हमीदा रोड से एक युवक को 7.25 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। युवक का नाम सरवर है और ये युवक यूपी से स्मैक लाकर यहां बेचता था। अब इसे कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इसे पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सके, क्योंकि ऐसे तस्करों की वजह से युवा नशे की खाई में गिरते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इसके पकड़े जाने के बाद पुलिस कैसे इस पूरे नेटवर्क तक पहुंच पाती है। देखिए अभी ना कुछ दिन से हमारे को शिकायतें मिली थी कि अमिता में कुछ बाहर से लोग यूपी वगैरह जाते हैं और स्मैक की सप्लाई करते हैं, जो इसी तरह पे हमने मुखबरी कलेक्ट की और एक लड़का सर्वर ये यूपी करने वाला है, इनका नाम इंग्लिश वर्षी अछोया ये पहुँच जाना जिला शामली उत्तर प्रदेश का, इसे 7.25 ग्राम स्मैक से काबू किया है। अब देखिए इसको जो है ना हमने काबू करके मजिस्ट्रेट साहब को मौका पर बुलाकर इसकी खुलासी ली है और खुलासी लेकर भी इसके खिलाफ जो है उसको कब्जे में ले लिया है और उसके जो भी हमने कार्रवाई है इस बात को पेश किया जाएगा और आगे इसके ये जहाँ जहाँ सप्लाई करता है और कहाँ से लेकर आता है ये सारी बात का जो है ना इससे हम रिमांड लेने की कोशिश करें। यमुनानगर से सुमित ओब्रॉय की रिपोर्ट।